हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो ये ईसीसी इंटरनेशनल T10 ग्रुप सी का जो ये छठवां मैच खेला जाएगा स्विट्जरलैंड वर्सेस बेल्जियम के टीम के बीच में, इस मैच के बारे में इस वीडियो में लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों रिटर्न टाइम की बात करें तो ये मैच 10 अक्टूबर दोपहर 3:15 से सेम उसी वेन्यू पे खेला जाएगा जहाँ पे इस टूर्नामेंट के बाकी के मैचेस खेले गए हैं। मैच फॉर्मेट की बात करें T10 का ये फॉर्मेट रहने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट और टॉस के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो इस पिच पर इसी सीरीज के टोटल 79 T10 के मैचेस अभी तक कंप्लीट खेले गए हैं, जिसमें से 38 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 41 बार यहां पे चेसिंग करने वाली टीम जीती है। एवरेज स्कोर दोस्तों आप लोग यहां का 140 से 160 रन के आसपास यहां पे मान के चल सकते हो। मोस्टली मैचेस में यहाँ पे लगभग इसी तरह का स्कोर बनता है। अब आप लोग यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न भी देख सकते हो, तो जो यहाँ पे टोटल 79 मैचेस खेले गए हैं उसमें से एक बार 60 के बिलो स्कोर रहा है, 3 बार 60 से 79 के बीच में बनाए, 4 बार 80 से 99 के बीच में गया और 71 बार जो स्कोर रहा है वो 100 के ऊपर गया है। तो इस तरह से यहाँ पे स्कोरिंग हुई है। वेदर रिपोर्ट की बात करें 0% यहाँ पे रेन के चांस है, तो बारिश के कोई चांस नहीं है, पूरा मैच आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले स्विट्जरलैंड की टीम की प्लेइंग 11 प्लेयर स्टार्स और रिसेंट फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें मोहम्मद इद्रिस की। अपने टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, अपने टीम में लेके जरूर जाना है, रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं। बाकी इस सीरीज में देखोगे लास्ट में 34 बनाए, उससे पहले 36 बनाए। इनके अलावा रेहान स्टेकिंग जाइए, ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं इस सीरीज में। भले ही दोनों मैचेस में कुछ खास कर नहीं पाए हैं पर मौका पूरा मिल रहा है क्योंकि ओपनिंग पर भी आ रहे हैं और आपको 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी दे रहे हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है। नूर खान अहमदी है, ये आपके जीएल के पिक है, इनको जीएल में ही ट्राई करना। डियोन जॉनसन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग ये भी दोनों काफी अच्छी करते हैं। अरशाद महमूद है, ये दोस्तों बैटिंग करने थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं पर रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप लोग फर्स्ट बैटिंग में लेके जा सकते हो जब स्विट्जरलैंड की टीम पहले बैटिंग करे। हर्षा देशन है, अपने टीम की कप्तानी कर रहे हैं पर रिकॉर्ड कोई खास नहीं रखते हैं। आगे देखोगे जय सिंह है, 35 मैच में 548 इनके रन हैं, 22 का एवरेज है, प्लस 35 मैच में 36 ओवर 21 विकेट। पार्ट टाइम बॉलिंग कराते हैं प्लस ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ब्रेंडन ग्रेबर है, इनका भी कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, हालांकि इस सीरीज में 2 मैच खेले जिसमें 3 ओवर की बॉलिंग इन्होंने कराई है, 1 विकेट भी निकाला, तो ट्राई कर सकते हो, लगभग बॉलिंग ठीक ठाक करा रहे हैं। फिर यहाँ पे सत्यनारायणन है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, इनका भी रिकॉर्ड आप देखोगे कोई खास आपको देखने को मिलेगा नहीं। अनीश कुमार का दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड है पर मौका उस तरह से दिया नहीं जा रहा है क्योंकि 2 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 1 ओवर की इनको बॉलिंग मिली है, तो इस सीरीज में बॉलिंग उतनी ज्यादा नहीं मिली है। मूसा अहमद जाइए, प्लेयर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो जब यहाँ पे स्विट्जरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे। अब यहाँ पे जो इनकी टीम के बेंच पर प्लेयर बैठे हुए हैं उनके भी आप लोग यहाँ पे स्टार्ट्स देख के चल सकते हो ताकि इनमें से भी कोई खेलता है तो आपको पता रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्विट्जरलैंड की टीम के स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स के बॉलर्स के बारे में जानते हैं। तो यहां से दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ब्रेंडन ग्रेबर, मूसा अहमद जाई, जय सिंह, ये आपको स्टार्टिंग बॉलिंग करते हुए देखेंगे। डेथ ओवर्स में आपको यहां से मूसा अहमद जाई और इनके साथ में रेहान स्टेकिंग जाई आपको डेथ में दिख सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों हम लोग बेल्जियम की टीम की प्लेइंग 11 प्लेयर स्टार्स और रिसेंट फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें अली रजा की, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। रिकॉर्ड आप देखोगे 50 मैच में 1190 रन से 26 का एवरेज है, इस सीरीज में देखोगे लास्ट में 59 बनाए, उससे पहले 25 बनाए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी हिटिंग करते हैं। फिर यहाँ पे मोहम्मद मुनीब है, इनका दोस्तों अगर आप रिकॉर्ड देखोगे कुछ खास है नहीं, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखते पर इस सीरीज में काफी अच्छा किया है, दोनों मैच में आप देखोगे दोनों मैचेस में काफी अच्छा स्कोर इन्होंने किया हुआ है, तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो, कोई खराब ऑप्शन नहीं है क्योंकि रिसेंट में अच्छा कर रहे हैं। बुरहान नियाज है, 1 डाउन पे बैटिंग करने आते हैं प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हैं, हालांकि इस सीरीज में अभी तक बॉलिंग कराई नहीं है, वैसे ये बॉलिंग बैटिंग दोनों काफी अच्छी कर लेते हैं। सैरी बट्ट है, 68 मैच में 1930 रन है,
43 का एवरेज, 3 ओवर 2 विकेट, काफी तगड़ा रिकॉर्ड रखते हैं, काफी अच्छे हिटर हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। सबर जखेल है, 68 मैच में 867 रन है, 17 का एवरेज है, प्लस 68 मैच 29 ओवर की बॉलिंग है, 14 विकेट। तो बॉलिंग ये पार्ट टाइम ही कराते हैं, उतनी ज्यादा नहीं कराते हैं, लास्ट में पूरे 2 ओवर कराए, उससे पहले नहीं कराई। सिराज शेख है, अपने टीम की कप्तानी कर रहे हैं, पर रिकॉर्ड अगर आप देखोगे उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग एक जीएल में ट्राई कर सकते हो। आगे देखोगे जक्की शाह इंपॉर्टेंट है, 2 2 ओवर की बॉलिंग देते हैं, प्लस ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। इस सीरीज में देखोगे 2 मैच में 3 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं, पूरे 2 2 ओवर की बॉलिंग इन्होंने कराई हुई है। खालिद अहमदी है, ये भी आपको 2 ओवर कन्फर्म देने वाले, और बैटिंग भी ये ठीक ठाक कर लेते हैं, हालांकि बैटिंग इनकी मेरे हिसाब से नहीं आने वाली, पर आप लोग यहाँ पे बॉलिंग से इनसे उम्मीद कर सकते हो। सज्जाद अहमद जाइए, 23 मैच में 41 ओवर की बॉलिंग है, 14 विकेट है। इस सीरीज में देखोगे 2 मैच में 3 ओवर की बॉलिंग कराई है, विकेट नहीं मिला है, पर ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग ये लगभग अच्छी खासी कराते हैं। फिर यहाँ पे जबर जबर खेल है, इनका देखोगे 14 मैच में 21 ओवर की बॉलिंग है, 6 विकेट है। इस सीरीज में 2 मैच में 3 ओवर की बॉलिंग इन्होंने कराई हुई है, विकेट इनको 3 यहाँ पे सीरीज में भी इन्होंने निकाले हैं, तो ट्राई कर सकते हो, इस रिसेंट में इन्होंने ठीक ठाक किया है। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो हुसैन खान इब्राहिम है, इनका देखोगे 2 मैच इन्होंने इसी सीरीज में खेले हैं, जिसमें 4 ओवर की बॉलिंग कराई है, विकेट 1 मिला है, तो यहाँ पे आप इसी तरह हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देख सकते हो। अब यहाँ पे जो इनकी टीम के बेंच पर प्लेयर बैठे हुए हैं, उनके भी आप लोग यहाँ पे स्टार्ट देख के चल सकते हो, ताकि इनमें से भी कोई भी खेलता है तो आपको पता रहेगा, तो आप लोग चाहो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग बेल्जियम के टीम के स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स के बॉलर्स के बारे में जानते हैं। तो यहां से दोस्तों आपको स्टार्टिंग में सज्जाद अहमद जय, जबर खेल, खालिद अहमदी, ये आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। डेथ ओवर्स में आपको यहां से खालिद अहमदी, इनके अलावा शबर जखेल और सज्जाद अहमद जाई में से कोई एक आपको दिख सकता है, यानी कि खालिद अहमदी इनके तरफ से फिक्स रहते हैं, बाकी इनके अलावा शबर जखेल और सज्जाद अहमद जाई में से कोई एक आपको डेथ में देख सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं, यानी कि इस सीरीज में दोनों टीम्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पर आप पहले बेल्जियम की टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे, तो बेल्जियम की टीम ने इसी सीरीज में 2 मैचेस अभी तक खेले हैं, जिसमें से दोनों के दोनों मैचेस ये टीम विन करके आ रही है, यानी कि काफी अच्छे इन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे स्विट्जरलैंड की टीम है, इन्होंने 2 मैच इस सीरीज में खेले और दोनों मैचेस हारी है, तो यानी कि अगर आप रिसेंट में देखोगे तो बेल्जियम की टीम की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस सीरीज में अभी तक रही है, तो आप ये चीज भी यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस मैच के बारे में सब कुछ जान लिया, हर एक प्लेयर के बारे में जान लिया, अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलहाल मैंने इस मैच की आप लोगों ने बनाई हुई है, पर फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से आपको जरूर जुड़ना है, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट और टॉस के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है, तो आप लोग जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पॉइंट पर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपनी टीम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विकेट कीपिंग में मैंने यहाँ पे ए रजा को लिया है, यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बेस्ट ऑप्शन यही है, इनको ही लेके चलना है। बैटिंग में आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों मैंने एम मुनीब को लिया है, जिस तरह से इनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है तो ड्रॉप करना बनता नहीं है, तो फिलहाल मैंने इनको भी लिया है। इनके अलावा एम इड्रिस उल हक को लिया है, एम इड्रिस अल हक को लिया है, इनके अलावा एश भट्ट को भी मैंने यहाँ से पिक किया है, तो इन तीनों को लिया है। इनके अलावा दोस्तों ए महमूद, रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है, अच्छा रिकॉर्ड है, बैटिंग करने नीचे आ रहे हैं, तो इनको आप लोग फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हो जब स्विट्जरलैंड की टीम पहले बैटिंग करे। एन अहमदी है, 1 डाउन पर बैटिंग करने आ रहे हैं, पूरा मौका इनके पास रहता है, तो आप लोग जीएल में जरूर ट्राई करना, बाकी नीचे कोई नहीं खेल रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे यहाँ पर दोस्तों मैंने 4 ऑलराउंडर्स को लिया है, बी नियाज को लिया है, आर स्टैकिन जाई को लिया है, डी जॉनसन और नीचे मैंने एस जखिल को लिया है, जिन्होंने लास्ट में पूरे 2 ओवर की बॉलिंग कराई और अपनी टीम से डेथ में बॉलिंग कराने आए थे, तो इस वजह से मैंने इनको भी लिया और हिटिंग भी ये ठीक ठाक कर लेते हैं। जय सिंह है, इनको भी ट्राई कर सकते हो, कोई खराब ऑप्शन नहीं है, हालांकि इनका कोई कन्फर्म नहीं रहता कब बॉलिंग कराएंगे कब नहीं कराएंगे, तो फिलहाल तो मैंने नहीं लिया, पर हो सकता है आफ्टर टॉस में लेके चला जाऊं। एस शेख है, एवरेज ऑप्शन है, अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, पर रिकॉर्ड कोई खास नहीं रखते हैं। बॉलिंग में देखोगे यहाँ पे दोस्तों मैंने के अहमदी को लिया है, जेड शाह को लिया, इनके अलावा जबर खेल को लिया, तो इन तीनों को मैंने यहाँ से पिक किया है। एच देशान है, एक जीएल में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की है। ए कुमार अच्छे बॉलर है पर मौका ठीक से मिल नहीं रहा है, तो इनको आप लोग एक जीएल में ट्राई कर लेना, अगर मौका मिलता है तो अच्छा करके दे सकते हैं। एम सज्जाद अहमद जाइए, इन्होंने भी दोस्तों इस सीरीज में अभी तक कुछ खास नहीं किया, पर रिकॉर्ड ये भी लगभग ठीक ठाक रखते हैं, तो इनको आप लोग जीएल में जरूर ट्राई करना, लगभग अच्छे ऑप्शन है, मौका इनको भी लगभग ठीक ठाक दिया जा रहा है। एम अहमद है, फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, इनमें से जिसकी भी टीम पहले बॉलिंग करे आप लोग ट्रंप पिक के तौर पे उसको यहां पे ट्राई
कर सकते हो, रिकॉर्ड लगभग ठीक ठाक ये लोग रखते हैं। इब्राहिम है ठीक से इनको मौका मिला, यानी कि दोनों मैचेस में दो दो ओवर की बॉलिंग कराई है, विकेट इनको शायद यहाँ पे एक ही मिला। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों, हाँ दोस्तों विकेट यहाँ पे इनको एक ही मिला है, पर मौका पूरा मिला है क्योंकि दो मैच में पूरे चार ओवर कराए, तो एक जीएल में लेके आप लोग जा सकते हो। बी ग्रेबर है, ये भी उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं, रज्जाक अभी तक खेले नहीं है, अगर खेलते हैं तो ये भी डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं और ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है, तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी फिलहाल बी नियाज को दी है, वाइस कैप्टन मैंने आर स्टेकेंजाई को किया है। मैं इनको रिवर्स भी कर सकता हूँ। इनके अलावा आपके पास जो अदर ऑप्शन यहाँ पे सीवीसी के रहेंगे वो यहाँ पे दोस्तों ए रजा रहेंगे, एम इड्रेस रहेंगे, के अहमदी रहेंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन इस मैच में सीवीसी के रहेंगे, इनमें से आप लोग जिसको करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल मेरी ये टीम है। अब अगर इस टीम में कुछ भी चेंजेस होता है तो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पे पता लग जाएगा, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट ऑन टाइम मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।